यूपी के सीतापुर में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान एक युवक ने उन पर जूता फेंक दिया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं एसपीजी ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़कर उसे यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी की पहचान हरिओम मिश्रा के रूप में की है। हरिओम सीतापुर के हरगांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हरिओम खुद को पत्रकार बता रहा है। युवक का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने 60 सालों के शासन में कुछ भी नहीं किया और इसी पर नाराजगी जताते हुए युवक ने राहुल पर जूता फेंका। हालांकि जूता राहुल को नहीं लगा, वहीं राहुल ने इस घटना के लिए बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने कहा, मुझ पर वो कितने भी हमले करें, मैं लड़ता रहूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। आपको बता दें कि पहले चरण की किसान यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी आज किसान यात्रा के दूसरे चरण के लिए लखनऊ से सीतापुर पहुंचे थे और इसी दौरान उन पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने का यह कोई पहला मामला नहीं है। राहुल से पहले भी कई नेताओं के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में जहां सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, वहां इस तरह की घटना होना शर्मनाक बात है। देखते रहिए डीबी लाइव।